बच्चों गुड मॉर्निंग मैं निशि गुप्ता आपकी संगीत गायन की अध्यापिका बोल रही हूँ यह वीडियो नाइन्थ के संगीत गायन के विद्यार्थियों के लिए है बच्चों आज मैं आपके लिए कुछ अन्य परिभाषिक शब्द जो आपकी हैं गायन से संबंधित वो बताऊंगी सबसे पहले अलाप क्या होता है फिर आरो अवरो फिर पकड़ और बाद में मात्रा का प्रयोग संगीत में किस प्रकार होता है ये बताऊँगी आलाग। आलाग बच्चों मैंने ये पर्चे बाग एक आपने खरीदी होगी उसमें दिया हुआ है देखिए के स्वरंग स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को अलाप कहते हैं अलाप में आवश्यकता अनुसार मीण खटका मुर्गी गमक आदि का प्रयोग होता है गायन में अलाप दो प्रकार से किया जाता है आकार में तथा नोम तोम तन दे रे यला यली आदि शब्दों की सहायता से प्रथम प्रकार के आकार का अलाप और द्वितीय को नोम तोम का अलाप कहते हैं अलाप का प्रयोग मुख्यतः दो स्थानों पर होता है गीत अथवा गत के पूर्व तथा गीत या गत के बीच स्थूल रूप से गीत अथवा गत के पूर्व का अलाप चार भागों में बांटा जाता है स्थाई अंतरा संचारी और आभू अलाप के बाद गीत अथवा गत प्रारंभ किया जाता है और इसी स्थान से तबले का प्रयोग भी प्रारंभ होता है गाने के बीच का आकार आकार में वह छोटा होता है और क्रमशः कई भागों कई भागों में विभाजित कर दिया जाता है प्रत्येक अलाप के बाद गायक गीत और वादक गत पकड़कर कर तबले से मिल जाता है कुछ गायक गीत के पूर्व बहुत थोड़ा आलाप करते हैं उनका कहना है कि गीत के पूर्व विस्तार में केवल उतना ही आलाप करना चाहिए जितना जिससे कि राग स्पष्ट हो सके अलाप की मंद गति में गायक कण मेण घटका आदि उपकरणों की सहायता से अपनी हृदयगत भावनाओं को व्यक्त करता है बच्चों यह अलाप है इसको आप याद कर लीजिए सबसे पहले तो आलाप यह देखिए कि यह विलंबित लय में यानी कि ढीले में में गाया बजाया जाता है दो प्रकार का होता है एक आकार का और दूसरा नोम तुम का जो आकार का आलाप होता है वो विशेषतः दो स्थानों पर होता है किया जाता है गीत अथवा गत के पूर्व या गीत वा गीत या गत के बीच, गीत या गत के पूर्व जो आकार का लाभ किया जाता है वो विशेषता इसलिए होता है कि उसको गाने से राग को पकड़ा जा सके और गीत के पूर्व का आलाप चार भागों में विभाजित होता है स्थाई, अंतरा संचारी और आप। फिर उसके बाद है, जो आपका दूसरा प्रकार का आकार गीत अदगत के बीच में जो आकार आकार का अलाप लिया जाता है वह भी कई भागों में विभाजित कर दिया जाता है क्योंकि यह छोटा लिया जाता है प्रत्येक अलाप के बाद उसमें गायक जो है गीत या वादक गत पकड़ कर तबले से मिल जाते हैं ठीक है बच्चों अलाप के लिए इतना आप किताब से भी देख लीजिएगा राग पर से भाग एक में दिया हुआ है पेज नंबर इसमें हमारे पास तो पुरानी किताब है लेकिन इसमें पेज नंबर एक दिया है 123 तेईस एक सौ देख लीजिएगा आर ओ अवरोह सरों के चढ़ते क्रम को आरोह और सरों के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं अलंकार में जिस प्रकार आर ओ अवरोह दो भाग होते हैं उसी प्रकार प्रत्येक राग में भी आर ओ अवरोह होते हैं जैसे भूपाली राग का आरोह है सारे गा प ध सा और अवरोह है सा ध प गे सा बच्चों देखिए जो रा भूपाली राग का अवरोह है देखिए किस प्रकार ये ऊपर चढ़ रहा है सा से ऊंचा रे होता है रे से ऊंचा गा गा से ऊंचा पा पा से ऊंचा धा धा से ऊंचा तार सप्तक का सा है इस प्रकार ये स्वरों किस प्रकार चढ़ रहे हैं आप देख लीजिए सा रे ग प धा सा और अबरों में देखिए यहाँ से उल्टे हम चले आए हैं तार सप्तक के सा से मध्य सप्तक के सात तक आए देखिए सा ध प ग रे सा इस प्रकार स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह और स्वरों के उतरते क्रम को अबरोह कहते हैं पकड़ देखिए राग का छोटा सा छोटा मुख्य स्वर समुदाय जिससे राग पहचाना जा सके राग की पकड़ कहलाता है पकड़ को राग का मुख्य अंग भी कहते हैं जो राग का सूचक होता है जैसे राग हमीर की पकड़ है स रेस गम धा है और धा के ऊपर नी को टच किया गया ने धा क्योंकि केवल उतने ही स्वर में से श्रोता कह उठता है कि यह राग हम है राग को गाते समय गायक बार बार पकड़ वाला स्वर समुदाय बीच बीच में लगाता है जिससे उस राग का स्वरूप ना बिगड़ने का है बच्चों को जब कोई राग हम गाते हैं तो उस राग का एक परिचय होता है तो उसमें वादी संवादी स्वर होते हैं तो उस राग का आरो वो भी होता है पकड़ होता है तो उस राग की पहचान की जा सके ऐसे स्वर समुदाय पकड़ कहलाते हैं और इन स्वर समुदायों को राग गायक राग गाते इसमें बार बार प्रयोग करता है जिससे राग का स्वरूप ना बिगड़ने पाए फिर से देखिए राग का छोटा सा छोटा मुख्य स्वर समुदाय जिससे राग पहचाना जा सके राग की पकड़ कहलाता है मात्र देखिए संगीत में न ना, समय नापने के पैमाने अथवा इकाई को मात्राएं कहते हैं दूसरे शब्दों में वह लय नापने का मापदंड है जब हम समान लय में हाथ से ताली देते हैं तो एक के बाद दूसरी ताली के बीच के समय को ही एक मात्रा कहेंगे ऐसी दो ताली देंगे तो दो मात्राएं होंगी बच्चों संगीत में समय नापने की इकाई यानी कि जब हम गायन वादन करते हैं तो जो समय लगता है उसको हम इस मात्रा के द्वारा ही नापते हैं उसके जैसे कि वह लय समय नापने का मापदंड है ना जब हम समान रूप से हाथ से ताली देते हैं तो देखिए एक दो तीन चार एक दो तीन चार तो जो एक मात्रा बोली यही हमारी लय है और ये कायम हो रही है और ये एक मात्रा दो मात्रा जब हम एक ताली देंगे तो एक मात्रा जब दो ताली देंगे तो, दें तो दो मात्रा ठीक है एक मात्रा दो मात्रा तीन चार एक दो तीन चार दो तीन यह मात्रा हुई ओके धन्यवाद आज के लिए इतना ही बच्चों इस पूरे ए, थेरी वाले वर्क की कॉपी में से कर लीजिएगा ओके धन्यवाद